खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि जी और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। पटना पुलिस ने फर्जी CBI ऑफिसर को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, केवल महिलाओं को बनाया था निशाना। पटना में CBI का फर्जी ऑफिसर पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं उसके साथी भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस हाथ उठाए ठग से पूछताछ कर रही है और उसके बाकी साथियों की भी जानकारी ले रही है। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश महिलाओं से जेवर ठगने वाले गिरोह से है। महिला और दो बच्चे की हत्या, आपसी विवाद में पति ने दिया घटना को अंजाम। पिता के नाम पर अंकुश लगाने वाली यह घटना जमुई लदैया गांव की बताई जा रही है, जहां पति ने पत्नी और दो बच्चे की निर्मम हत्या कर दी है, जहां पति ने गला दबाकर तीनों की हत्या को अंजाम दिया है। मामूली विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने पत्रकार के पिता को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में अज्ञात अपराधियों ने दैनिक अखबार के एक पत्रकार के पिता की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की है। देर शाम इस घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी बाजार पूर्णिया धर्मशाला के रहने वाले काली सिंह मोटरसाइकिल से अपने मित्र के साथ किसी के घर जा रहे थे। NDA और महागठबंधन के बीच दिलचस्प वजह, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर विजय सिन्हा और अवध बिहारी आमने सामने। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी अपने उम्मीदवार को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। NDA की ओर से जहां भाजपा के लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष में बैठी महागठबंधन की ओर से सिवान सदर के RJD विधायक बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। पटना जू में हार्ट अटैक से शेर की मौत, कोरोना जांच के लिए भेजा गया सैंपल। पटना में हार्ट अटैक से पटना जू के शेर शेरू की सोमवार को मौत हो गई है। महज 7.5 साल में शेरों की मौत हो गई है। जू के निदेशक अमित कुमार ने शेर की पूरी तरह से स्वस्थ होने की बात कही, लेकिन साथ ही कहा कि उनकी अचानक मौत भी हो गई है। भागलपुर में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भागलपुर में नवगछिया के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद बड़ी अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में एक खूनी संघर्ष हुई है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं इस मामले में 7 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के भित भैरवा कोयरी टोला गाँव की बताई जा रही है। पुस्तक मेला पर लगा ग्रहण, कोरोना के कारण नहीं सजेगी किताब की दुनिया। पटना में ठंड की शुरुआत आते ही लोगों को पुस्तक मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस बार पुस्तक प्रेमियों को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण इस साल पुस्तक मेले के आयोजन पर ग्रहण लग गया है। सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ने इस बात का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब पुस्तक प्रेमियों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 1600 दरोगा को नहीं मिल रही है सैलरी, 3 महीने से कर्ज लेकर चला रहे हैं घर। बिहार में 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को 3 महीने से वेतन भत्ते आदि की निकासी नहीं हो रही है। इस लंबे समय से वेतन बंद होने से सभी अवर निरीक्षक आर्थिक
संकट से जूझ रहे हैं और कई कर्ज में डूबे हुए हैं। 2018 बैच के लगभग 1600 से अधिक की संख्या में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक बिहार में विभिन्न थाने में प्रतिनियुक्त हैं। इससे पहले ये जुलाई 2019 से राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी में संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त रहे थे। बिहार में मिले कोरोना के 653 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,16,097। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 653 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,16,097 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,768 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।